पहली बात तो भैया आ कौन आप हैं? हाँ। मतलब ये प्रश्न पर्सनल आपका है या किसी और के लिए? हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर्सनल ही वार्ता होती, लोक व्यवहार की नहीं। इसमें कोई शर्माने की जरूरत नहीं। इसमें आपने लिखा, व्यसन में डूब करके जो कुक्रिया करते हैं एवं उनसे होने वाली जो खराब परिस्थितियां वह कैसे ठीक हो। पहली बात, हम जो व्यसन करते हैं उसे हमें छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस आप खुद स्वीकार करते हैं कि व्यसन से प्रेरित होकर ही शास्त्र विरुद्ध आचरण हो रहा है, वो किसी भी तरह का कोई व्यसन हो, बहुत ध्यान से सुनो, इधर उधर नेत्र मत चंचल करो। सबसे पहले हम माने हुए व्यसन का त्याग करें, क्योंकि वो त्याग नहीं करोगे तो व्यसन में एक प्रमाद स्थिति पैदा करने की ताकत होती है। थोड़ी देर में ही वो एक ऐसे प्रमाद पैदा, आप कोई भी व्यसन करो तो वो व्यसन आपको उन्मत्त करेगा अपने प्रभाव से और प्रमाद स्थिति में लाके वो आचरण करवा देगा। हम पहले व्यसन को छोड़ें। दूसरी बात, जिसे हम जानते हैं कि ये कुत्सित क्रिया है उस क्रिया को छोड़ें, यद्यपि है बड़ा कठिन। जैसे आपकी स्थिति है, आपने अपने आप को खोखला कर दिया, ये जो आपने कुक्रिया शब्द लिखा हो, आपका जो दर्शन अनुभव करा रहा है। अब आप लाख कोशिश करेंगे तो आपको बार बार मन प्रेरित करके परास्त करने की कोशिश करेगा, आपको ऐसी स्थिति पैदा करेगा कि आप फिर उसी क्रिया पे आ जाएं। पर एक बार हिम्मत करके आपको जलना होगा, तभी आप बलवान हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक समझना, नहीं आपके आंतरिक बल को नष्ट कर दिया इस क्रिया ने, इस व्यसन ने आपको नष्ट, अब आपको बलवान हो, आप पुनः वैसे हो सकते हो। कितनी अवस्था है आपके शरीर की? है 30। कोई बात, अभी चांस है, अभी आप सुधर सकते हो। तो आप पहले क्या व्यसन करते हो? अच्छा चलो, जो भी हो तो आप उसे आज नियम लो कि मैं नहीं करूंगा, छोड़ सकते हो? ऑलरेडी छोड़ दिया, ऑलरेडी मतलब बराबर छोड़ दिया। कुक्रिया, कुत्सित क्रिया, हाँ हम समझ रहे, पर असल आप उसे छोड़ रहे हैं आज कसम खा के? नहीं, महीना होते, महीना पूरा होने में जो वो प्रमत्त स्थिति आएगी वो सारे कसम वसम खूंटी में टंगवा देगा, क्योंकि वो एक ऐसी उन्मत्तता होती, प्रमाद स्थिति होती है। किन्हीं लोगों के हृदय में ये धारणाएं भर दी गई हैं कि कोई एक थैली है ब्रह्मचर्य की, और जब वो ओवर हो जाती है तो वो हट जाती है, ऐसा धारणा बैठा। ऐसा नहीं है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये ब्रह्मचर्य रहा ही नहीं जा सकता, जिन लोगों को ये भावना है कि ये नष्ट ही हो जाएगा, कह रहे कि जैसे अपने लोग कसम खा लें कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो दो दिन चार दिन का जो आपका अभ्यास है वो तो आप रोकेंगे, लेकिन जब वो महीना 15 दिन होगा तो आपके अंदर फिर प्रमाद स्थिति आएगी। अगर उस स्थिति में आप क्रिया ना करें, कुछ दिन सह जाएं, तो उसका कुछ दिन जो आपका अभ्यास रहा है वो आपको भ्रष्ट करता रहेगा स्वाभाविक बिना क्रिया। तो आपको घबराना नहीं है, आप धीरे धीरे क्रमशः ठीक हो जाएंगे। इस विषय पे चर्चा हो चुकी है, पर आप इसमें कुछ प्राणायाम आवश्यक है, किसी योगी जो प्राणायाम के गुरु हैं उनसे आप मिल करके, क्योंकि हम तो वृंदावन के राधा आशिक हैं, हम ये फुस फसत सिखाते नहीं हैं। तो किसी योगी से प्राणायाम कुछ सीख लें, और कुछ व्यायाम, देहाती व्यायाम, जैसे दंड, बैठक, दौड़ लगाना आदि, मतलब हमारी प्राण शक्ति को थोड़ा सा व्यायाम के द्वारा एक बल मिलता है। और कुछ आहार नियंत्रण, कि हम इधर उधर की वस्तुएं ना खाएं, वो उसमें पड़े हुए हैं वीडियो में कि ये चीज ना, जैसे ब्रह्मचर्य में सहायक सावधानियां, ब्रह्मचर्य में सहायक भोजन, वो उसमें उसको विस्तृत रूप से आप सुन लीजिए और उससे धारण। मुख्य बात है चिंतन बदलना, ये सब गौड़ बात है, मुख्य बात है चिंतन बदलना। यदि हमारा चिंतन विषय लोलुप बना रहा तो चाहे जितना सात्विक भोजन करो, चाहे जितना आप नहाओ धो पवित्र व्यायाम सब, लेकिन आप रोक नहीं सकते, क्योंकि चिंतन है। चिंतन बदलना अति आवश्यक है। उसके बदलने के लिए सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप तीनों आवश्यक है। सत्संग और शास्त्र स्वाध्याय और नाम जप, भले गृहस्थी में हो, 30 मिनट अगर हम शास्त्र स्वाध्याय कर लें, मानो श्री स्वामी राम सुखदास जी की टीका जो की हुई गीता है, वो अमृत है साधकों के लिए,
चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, जरूर स्वाध्याय करना चाहिए। किसी भी संत महापुरुष पर जिस पर श्रद्धा हो उसके प्रवचन सुने, और जो भी भगवान का नाम प्रिय हो वो नाम सुमिरन करे। इससे आपका चिंतन बदलेगा, और व्यायाम प्राणायाम से शरीर की नस नाड़ियां मजबूत होगी, शुद्ध आहार से आपको एक सपोर्ट मिलेगा। तो आप तीनों पर दृष्टि डालें, आहार ठीक हो, भजन साधन से चिंतन आप अपना ठीक कीजिए, और संकल्प दृढ़ निश्चय के द्वारा उन अशुभ क्रियाओं को दूर कीजिए। जो अशुभ क्रियाएं आप करते रहे तो आप सुधर जाएंगे, नहीं तो देखो कुछ दिनों बाद ऐसा होने लगेगा, आप देखना आपकी विचार शक्ति लुप्त हो जाएगी, आपके अंदर बिना किसी कारण के शंका बनी रहेगी, भय बना रहेगा, घबराहट बनी रहेगी, हर व्यक्ति से बात करने में चिड़चिड़ापन आए, मतलब कितनी तरह की परेशानियां आ जाएंगी। देखो हमें किसी से लेना देना थोड़ी है, तुम हमारे आत्मा हो तो हम आपको सुख पहुंचाने के लिए कह रहे कि आप पुष्ट बनो, आप बलवान बनो, गृहस्थी भी बनो, तो स्वस्थ और सुखमय जीवन व्यतीत करो। अब देखो अभी आपकी अवस्था क्या, 30 वर्ष की अवस्था का जो मनुष्य शरीर है वो पूर्ण स्वस्थ हष्ट पुष्ट होना। देखो आप ऐसे लग रहे हो जैसे बहुत आप चिंताग्रस्त हो, आप बहुत परेशान हो, इससे हुआ क्या, आपने खिलवाड़ कर लिया, तो इसलिए बात है। अब सावधान हो जाइए, बोलिए अब क्या बात, जो आज सुना उसे जीवन में धारण करो, ठीक है। किसी आयुर्वेदिक वैद्य से मिलकर के अगर ज्यादा परिस्थिति खराब हो तो कोई औषधि ले लो, कोई आसपास आयुर्वेदिक वैद्य हो जिनसे आप सलाह करो, वो धातु पुष्टता की आपको औषधि दे। पर आप किसी भी तरह की चेष्टा ना करें कुछ दिन, अगर आप गृहस्थ भी हैं, आपकी पत्नी भी है, तो भी आप कुछ दिन संयम धारण करें जिससे आप परिपक्व हो जाएं, फिर जैसा प्रभु प्रेरणा करें। लेकिन इस समय जैसे हमारे हाथ में चोट लग जाए तो फिर कुछ दिन सेवा निवृत्त हो जाए, उसको पुष्ट कर लें फिर सेवा। ऐसे ही गृहस्थ धर्म में भी यदि हम बहुत ब्रह्मचर्यहीन हो चुके हैं तो थोड़ा थोड़ा ब्रह्मचर्य का अभ्यास करके हम पुष्ट बने तो फिर हम आगे गृहस्थ धर्म का निर्वाह कर सकते हैं। समझ रहे हैं?